हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस वाई बक्सर में। पिछला वीडियो में क्लास टेंथ का प्रश्न वाले 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक दिए देख लिए थे। आज चलेंगे क्लास टेंथ का प्रश्न वाले 8.4 का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कहा कि सही विकल्प चुनिए और अपना उत्तर को पुष्टि कीजिए, है ना। ये कह रहा है उत्तर को पुष्टि करना है कि मैंने इसमें ऑप्शन आपका है चारों में ऑप्शन में से क्या होगा, इसमें भी आपका चार का ऑप्शन है, इसमें भी क्या होगा, चारों में से आंसर क्या होगा इसका। देखेगा हम लोग कैश में कि 9 sec² - 9 tan² बराबर है किसका, किसका बराबर है देखते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 है और देखिए यहाँ पर कि 9 sec² - 9 tan², तो दोनों में से हम 9 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन कब लिया जाता है, जब दोनों में बराबर हो, दोनों में मिले, दोनों में बराबर मान हो, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो दोनों में 9 है इसलिए बाहर निकाल देंगे, छोटी को चालू करेंगे, ठीक है। कॉमन लेते हैं, छोटी को चालू होता है, इसमें क्या बच गया आपका, इसमें बच गया आपको sec², इसमें क्या बच गया जी tan², ये बच गया, है ना। अब लिखना है यहाँ पर 9, अब इतना बराबर सूत्र लिखाए थे, इतना बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, 9 sec² - tan² बराबर क्या लिखाए थे, 1 सूत्र लिखाए थे, क्योंकि हम लिखाए थे कि sec² - tan² बराबर होता क्या है 1, पिछले वीडियो में लिखाए थे हम। अब देखिए 9 × 1 कितना आएगा, 9 आपका आएगा, ठीक है। 9 आ गया, एंड आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका इसी तरह से बहुत सा क्वेश्चन आएगा, है ना। sec² आएगा, tan² आएगा, फिर यहाँ आपका रहेगा 8, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, cosec² - 8 क्या रहेगा इसमें, cot², तो बस दोनों में से क्या करेंगे हम, 8 कॉमन ले लेंगे, यह बचेगा cosec² - क्या बचेगा cot², हम सूत्र लिखाए थे cosec² - cot² बराबर क्या होता है 1। हमेशा यहाँ पर ऐसा देगा आपका कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे देगा आपका, है ना। तो क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। इसमें देखते हैं आप क्या होता है दूसरा में, इसमें कह रहा है कि इतना या इतना दिया होगा, किसके बराबर है देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलेंगे कह रहा है कि 1 + इसके ऊपर हम क्या करेंगे, साइन कॉस के पदों में ले आएंगे, ठीक है। पहले देखिए अब इसमें कह रहा है कि tan θ, तो tan θ बराबर होता क्या है, क्या होता है sin θ / cos θ प्लस अब sec किसका उल्टा है, cos का है जी, तो sec उल्टा होगा cos, cos उल्टा sec, कितना हो गया, चलिए निकलते हैं। हम लिखिए 1 + cos θ क्या होगा आपका, cos θ / कितना होगा, होगा आपका sin θ - अभी cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sin, तो क्या हो गया 1 / कितना हो गया आपका sin θ हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, सब हम चेंज कर लिए, tan θ होता है sin θ, क्या होता है cos, sec क्या होता है 1, sec का उल्टा क्या होता है cos, नहीं 1 कितना cos होता है। देखिए यहाँ पर है ना, cos का कितना होता है, देखिए यहाँ पर tan θ बराबर होता है आपका sin θ / cos θ, और cot θ बराबर क्या होता है, cos θ / क्या होता है आपका, क्या होता है आपका sin θ होता है, ये आपका ही सूत्र है। चलिए अब क्या करेंगे हम इसमें, वन यहाँ पर है, यहाँ पर बटा 1 अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अपना 1/2 लिख सकते हैं, क्यों भी की जगह लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें एलसीएम क्या लेंगे हम, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं ना, cos θ आ गया। अब इसके 1 से भाग देंगे cos में, cos पर कटेगा, तो cos × 1 कितना आएगा cos θ, प्लस cos कर गया, क्या बच गया आपका जी sin θ बच गया, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। चलिए घेरा कीजिए, इसको भी घेरना होगा। अब देखिए तीनों में क्या आएगा, 1 है, sin θ है, sin θ है, तो तीनों में आपको कौन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका sin θ आ जाएगा, ठीक है। 1 से भागा देंगे sin में, तो sin वर्ग कटेगा, तो sin θ × 1 कितना आएगा आपका sin θ, प्लस sin कट गया एक बचा, क्या क्या होगा cos θ हो जाएगा, माइनस sin कट गया, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे है ना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस वन, लिख लिए। इसको भी करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कीजिए दोनों से, तो कितना आ जाएगा cos थीटा, क्या होगा आपका आएगा cos थीटा इनटू कितना आएगा आपका जी, आएगा sin थीटा आएगा आपका। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम मान लेते हैं क्या माने ए, और इसको क्या माने जी बी, इसको क्या माने ए, इसको क्या माने बी। देखिए अब ये सूत्र पर आ गया, कौन सा सूत्र आ गया, क्योंकि ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, वन होता है, बराबर क्या होता है वन। हाँ देखिए तो आ गया तुम्हारा ए प्लस बी आई ए माइनस बी, ओ सॉरी क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है सूत्र लिखा दीजिए हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमको हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा वन के होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरा ही हो गया, तो इसका होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका ए क्या होगा माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना होगा आपका साइन थीटा, क्या होगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है जगह नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार है ना, उसको हम आगे देखते हैं लीजिए इसको। चलिए अब चलेंगे हम लोग आगे, अब देखिए आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, सूत्र होता क्या है देखेंगे आगे हम लोग, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है आपका कॉस थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा जी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू गुना कॉस थीटा इंटू कितना होगा आपका साइन थीटा बटा, तो आपका यहाँ पर तो आपका माइनस है ये है माइनस कितना है माइनस वन है माइनस वन, नीचे क्या है आपका है कॉस थीटा इंटू कितना है जी कितना आपका है साइन थीटा है ना आपका साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम देखिए इतना बड़ा उन्होंने सूत्र लिखाए थे यहाँ पर लिखाए थे जी लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे वन वन प्लस कितना आ गया टू कॉस थीटा इन टू कितना हो गया आपका साइन थीटा माइनस वन बटा आपका आ जाएगा कॉस थीटा इन टू कितना आ गया आपका साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर इसको कर चुकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, या हो सकता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हो सकता होगा ना भी, लेकिन हम क्या करें इसको ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तो ये देखना है ये ए कैसा आया, क्योंकि क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, इसी कारण से इतना बराबर हम कह रहे थे यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि ये आपका प्लस में है माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस में क्या हो गया कट दिया आपका, क्या बचा इसमें आपका बच गया टू कॉस थीटा इंटू क्या बच गया जी साइन थीटा बटा क्या बच गया आपका कॉस थीटा इंटू क्या बच गया साइन थीटा। देखिए तो यहाँ कॉस से कॉस खत्म साइन साइन खत्म क्या बचा आपका टू, यानी आंसर आपका क्या आ गया टू आ गया। देखिए आंसर क्या आपका है सही आंसर है सही सही आंसर आपका। हाँ तो इसको तोड़े हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए का मान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन कॉस इंटू साइन थीटा, तो इतने का मान क्या होता है जी वन होता है प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस वन आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपस में कट गया जीरो आता है, तो क्या बच गया आपका केवल बच गया टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
यहाँ देखिए कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, बराबर क्या बच गया, टू बच गया, ठीक है, यही आंसर आपका हो गया। अब देखिए विकल्प मेरा, विकल्प में कहाँ पर आंसर है, तो विकल्प में देखिए यहाँ पर सी का आंसर है, टू ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, है ना, फोर का तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले तीसरा नंबर देखते, पहले हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि से के प्लस टाइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको साइन कॉस के पदों में ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले काम होता है मेरा साइन कॉस के पदों में लाना। तो देखिए अब से के है, इसको हम क्या करेंगे, अब से बराबर होता क्या है, इससे किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है जी, तो क्या होगा वन बड़े कितना आ गया आपका आ गया यहाँ पर, तो कॉस ही आएगा। प्लस टाइन ए बराबर क्या होगा, टाइन ए बराबर आपका होगा साइन ए बटा क्या हो गया कॉस, कॉस हो जाएगा। आई टू देखिए अब वो क्या, इसको छोड़ देंगे, वन मास कितना होगा आपका साइन ए, वन मास साइन चाहिए यहाँ पर लिखना है। अब क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, लेंगे तो क्या आएगा आपका जी कॉस ही आ जाएगा ना, तो कैसे बचेगा वन प्लस कितना बचेगा साइन ए, ये भी। अब इसमें देखिए क्या होता है, वन मास कितना होगा आपका साइन ए। अब देखिए ये क्या आ गया आपका, वही आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, सूत्र होगा क्या, है ना, सूत्र क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस कितना होगा आपका साइन स्क्वायर, क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ रहे ना, समझ रहा है जी, हाँ ठीक है। तो वन माइनस कितना होगा साइन, क्योंकि सूत्र हम लिखाए थे वन प्लस साइन ए आई इंटू क्या लिखाए थे वन माइनस साइन ए बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वन ही आएगा, है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा क्या आएगा आपका कॉस ए, बटा क्या आएगा आपका कॉस ए। अब देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, हम लिखाए थे सूत्र, है ना, पिछला भी लिखाए थे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, तो क्या होता है जी कॉस स्क्वायर ए, अब बटा क्या आ गया कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर को, मतलब क्या होता है इसी को दो बार लिखना, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे चार, चार का स्क्वायर कितना आएगा चार गुना चार करते हैं, पाँच का स्क्वायर कितना आएगा पाँच गुना पाँच करते हैं, उसी प्रकार से कॉस का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है ये कॉस दो गो है, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटा क्या होगा जी यहाँ पर कॉस ए हो गया। देखिए तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, बराबर आपका क्या आंसर क्या आ गया, बराबर आपका आंसर आ गया कॉस ए, आपका क्या हो गया आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन में ये कॉस ए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में कॉस ए ये डी है ना, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया, ठीक है, समझिए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसको पहले क्या कीजिएगा साइन और कॉस के रूप में हमको लाना है, ठीक है। ए सेक है तो सेक उल्टा कॉस ए होता, कॉस होता है बराबर कॉस हो गया, टैन ए बराबर क्या होता है, अभी सूत्र लिखा है तो हमारे बगल में, तो टैन ए बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, ठीक है। बस अब दोनों में हम एलसीएम ले लिए तो कॉस बच गया, कॉस 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 बच गया, यहाँ पर क्या आ गया कॉस से कॉस खत्म एक बचेगा, तो एक गुना वन तो एक ही, कॉस से कॉस खत्म तो वन गुना साइन तो साइन, यहाँ बच गया वन प्लस साइन, ए तुम्हारा दे बचे वन माइनस साइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर क्यों दे, क्योंकि हम एक के स्क्वायर दो बार गुणा करेंगे क्या आएगा एक ही आएगा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, इसका वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा होता क्या है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता ना, तो कॉस दो वो है तो कॉस गुना ए, कॉस ए गुना कॉस ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर को दो लिखना है, तो कॉस कॉस खत्म बराबर कॉस से आंसर क्या हो गया डी हो गया। अब हम लोग चलेंगे, अब चलेंगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब चौथा में क्या कह रहा है, वन प्लस टैन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस टैन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता क्या। देखिए सूत्र लिखाए थे वन प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका जी सेक स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कौशेक स्क्वायर ए, सूत्र लिखाए थे हम, है ना। अब लिखिए ए सेक किसका उल्टा है, ए सेक कॉस किससे उल्टा होता है कॉस,
लगे आपको, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, वाटा में वन वाटा क्या होगा, कौश किसका साइन का है तो साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये आपका भीम को भागा हो गया, अब गुना करने से क्या आएगा आपका, वन वाटा कॉस स्क्वायर है साइन चल गया, अब गुना करेंगे तो साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर है, अब वाटा कितना गया, वन आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर है गुना वन तो साइन स्क्वायर है, वाटा कॉस स्क्वायर है गुना वन तो कॉस स्क्वायर है। अब लिखिए हम खास लिखाए क्या लिखाए थे, साइन चार ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा क्या लिखाए थे, अभी लिखाए थे ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा लिखाए थे टैन थीटा, क्या लिखाए थे आपको जी टैन थीटा है ना, टैन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या आ गया, स्क्वायर कंडीशन आ गया, यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए कि ये मेरा आंसर कहाँ पर है, तो ए बी में, यहाँ पर देखिए डी में ऑप्शन है ना, तो टैन स्क्वायर आंसर आपका हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार, आगे देख लेंगे, देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न में, चलेंगे अगले प्रश्न में क्या करा, करा कि फाइव नंबर क्वेश्चन आपका है, करा कि सिद्ध कितना, ठीक है सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करने का मतलब है कि एलएचएस बराबर क्या लाना है, आरएचएस है ना, इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बायां पक्ष, इसको क्या बोलते हैं दायां पक्ष है ना, तो बायां पक्ष बराबर क्या लाना है, दायां पक्ष लाना है, यानी एलएचएस बराबर क्या लाना है आरएचएस, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग चलेंगे पहले ये चलेंगे जी, हम लोग चलेंगे एलएचएस से, ठीक है हम चलेंगे हम लोग एलएचएस से, एलएचएस चलेंगे यहाँ पर, क्या करना है इसमें कि सी ओ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया होगा, यानी हमको इतना को हल करके इतना लाना होता है, तो क्या करेंगे देखिए कॉसेक थीटा है तो कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगी, हमको पहले क्या करना है इसको साइन कॉस के पद में ले आना, ठीक है तो साइन कॉस के पद में लाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये कॉसेक है तो कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक उल्टा क्या होता है साइन, तो क्या ले लेंगे वन वाटा साइन थीटा माइनस कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है अभी लिखा है जी, क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है जी कॉस थीटा माइनस कितना बटा कितना होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन होगा ना, क्या होगा जी साइन होगा, देखिए अब साइन से साइन भागा तो एक बार कट गया तो एक गुना कितना होगा क्यों होगा, साइन साइन कट गया कॉस होगा है ना, कॉस होगा ना जी, कितना होगा आपको तो कॉस ही बचेगा, इसको क्या होल स्क्वायर चला दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे हम है ना, अब हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं इसे वन माइनस कॉस थीटा प्लस बार, अब अटैक कर दिए क्या कीजिए क्या होगा साइन थीटा, तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि इस पर भी स्क्वायर है और ये किस पर भी है, दोनों पर है ना, यानी आंसर और हर दोनों पर स्क्वायर है। अब देखिए क्या कहिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार लिखना है ना, ऐसे दो बार दो में दो लिखते हैं इसी लिखेंगे, इसको दो बार लिखेंगे यानी कि इसमें वन माइनस कॉस थीटा आई इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे हम, बटा क्या करेंगे इसमें, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है वन माइनस क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन तो आपका क्या है इस पर भी स्क्वायर छोड़ा था ना, लेकिन क्या था छुपा रहा था, ठीक है अब इस पर भी स्क्वायर होता लेकिन छुपा रहा था, देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे इसमें वन वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा आएगा आपका, अब ये क्या होगा इसमें देखिए सूत्र आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है ना, हाँ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है तो इसको एक बार लेंगे प्लस में देंगे प्लस में एगो क्या लेंगे एक बार क्या लेंगे जी लेंगे माइनस में लेंगे हाँ, देखिए तो माइनस वाला कट गया आपका, माइनस वाला खत्म, क्या बच गया आपका, क्या बचा बच गया आपका वन वन माइनस कॉस थीटा वटा वन प्लस क्या बचा कॉस थीटा, देखिए है ना तो बराबर देखिए जो मिल रहा है वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस है ना मिल गया, तो बराबर क्या हो गया बराबर आपका हो गया आर एच एस ई आर ओ है ना बी ए डी हो गया आपका है ना,
तो आपको सब कुछ क्या करना है, सोचा रखना है ना, एक एक चीज आपको याद रखना होगा कहाँ पर क्या लगेगा। अरे कि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, दो बार लिखें। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि हम सब लिखा चुके, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो पिछले वीडियो में जाकर क्या कीजिएगा, पूरा सूत्र को देख लीजिएगा, ठीक है। इतना होता है तो हम इतना बराबर इतना होता है तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि स्क्वायर छिपा है, ठीक है, स्क्वायर लिखा था स्क्वायर छिपा रहता है। अब आगे क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता क्या है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, एगो प्लस में एगो माइनस में, है ना। तो माइनस वाला कट गया, क्या बचा, ए ऊपर ऊपर माइनस बच गया, क्या बच गया, प्लस बच गया। तो वन माइनस कॉस थीटा बटा क्या, वन प्लस कॉस थीटा, क्या हो गया, है ना। चलिए चलिए हम लोग चलेंगे आगे, यानी चलेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन का पांच का दूसरा नंबर। इसको बोलते रहते हैं क्या बोलते रहते हैं, यानी हमको इतना हल करके क्या करना है, इतना हमको लाना, ठीक है। या हम आर एच एस को हल करके इसको भी ला सकते, ठीक है। लेकिन वन माइनस सेक ए है ना, इतना हल करके इतना लाना क्या है, संभव है ना। इसको हल करके इतना हम ला सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा है, ज्यादा मान दिया हुआ है, इसमें एक कम है ना। तो इसको हल करके चलेंगे इसमें लेकर, एल एच एस बराबर एल एच एस से करेंगे यहाँ पर, है ना। क्या दिया हुआ है, करें यहाँ पर कॉस ए बटा वन प्लस कितना है, साइन ए प्लस वन प्लस कितना है जी, साइन ए बटा कितना आपका है, कॉस ए, है ना। देखिए तो ये सब अपना अपना क्या है, साइन कॉस में अपना क्या है, बदला हुआ है, इसमें हम ना उतने करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, दोनों का लेंगे एलसीएम। तो वन प्लस साइन ए है या क्या है, कॉस ए है, तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो कॉस ए इंटू क्या होगा, वन प्लस कितना होगा आपका, वन प्लस कितना होगा, साइन ए होगा। अब देखिए अब हम भाग देंगे, है ना, जब एलसीएम निकलता है तो क्या करते हैं, हम हर से भाग देते हैं, किसमें, हर से हम भाग देते हैं किसमें जी, है ना, एलसीएम में, है ना, जो निकलता है लसा, उसमें हम क्या करते हैं, लघुत्तम सब करते हैं, भाग देते हैं। तो वन प्लस साइन ए से भाग देंगे इसमें, तो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया, कॉस ए बच गया, तब का क्या होगा, ऊपर भी कॉस है तो गुना करेंगे अब, तो कॉस ए बच गया, इसमें क्या होगा, तो कॉस गुना कॉस, यानी इसके गुना करेंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर आएगा, आएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस ए ऐसे यहाँ पर, यहाँ पर अब गुना करेंगे कॉस ए, अब गुना कर देंगे आंश में, गुना करेंगे तो कॉस ए, तो दो आ गया कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा ना, कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इसे, इसे जगह तुमको आपका रहेगा तीन गुना तीन, इसको लिख सकते हैं ना, तीन के स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर, तो इसी के यहाँ पर कॉस ए बच गया आपका, तो कॉस ए बच गया, तो कॉस से गुना करेंगे आंश में, तो कॉस ए गुना कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर, ये समझ गया ना, ये तुम्हारा होता है आपका, ठीक है। तो इतना होता है आप पढ़ते हो, अब देखिए यहाँ पर इससे भाग इसमें कॉस कॉस कट गया ना, क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी आपका क्या आएगा इसमें, वन प्लस साइन ए, आप फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, फिर गुना करेंगे इसमें तीन टू, तो वन प्लस साइन ए गुना करेंगे, है ना, ऐसे गुना करेंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, यानी जब दोनों एक ही चीज रहता है आपस में, तो इसको हम दोनों को बदले एक लिख के स्क्वायर चाहते हैं, उसे एक साइन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो दोनों को बदले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वन प्लस कितना लिखेंगे, साइन ए, समझ में आ रहा ना, है ना। तो दोनों को बदले क्या क्या लिखेंगे, अब दो है ना, तो दो को रहता है तो इस पर क्या चाहते हैं स्क्वायर, तीन रहेगा तो क्यू चढ़ाएंगे, चार रहेगा तो फोर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर चढ़ता है ना, यहाँ पर दो को है वन प्लस साइन ए, टू वन प्लस साइन ए, क्या होगा, वन प्लस साइन ए घोर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या बात किया इसमें, तो कॉस ए इंटू वन प्लस कितना करेंगे, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए आगे आपके क्या आ गए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, आगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कितना जी, इसको ए मान, इसको क्या मान लें, बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू अगुना ए का मान कितना है, वन अगुना बी का मान कितना है जी, साइन ए है, साइन ए। अब बटम कर दो, बटम क्या करेंगे हम, कॉस ए
एन टू वन प्लस क्या होगा, वन प्लस कितना होगा, साइन होगा ना, होगा साइन। देखो यहाँ पर चूंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इतना होता है, इसलिए इसको हम तोड़कर इस रूप में लिया है। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे। अब क्या चलेंगे आगे, हम उसमें कुछ करेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है और क्या है साइन स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना जी साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे, एक का स्क्वायर आएगा एक ही आएगा ना, एक का स्क्वायर करेंगे दो बार एक गुने कितना आएगा एक आएगा, प्लस कितना आएगा आपका टू साइन आएगा यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसमें कॉस ए आई टू कितना आएगा वन, प्लस कितना आएगा वन प्लस साइन आ गया है ना। अब चलते हैं आगे है ना, इसके बाद चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए वन प्लस, अच्छा यहाँ पर लिखना कि कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चूँकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है वन होता है ना, तो इतना बराबर हम वन लिख सकते हैं ना, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे हम वन, तो वन प्लस अब लिखिए ए भी आ गया आपके आ गया वन आ गया, पर कितना होगा टू साइन ए। अब बटम में क्या आपका है, बटम क्या है जी, बटम आपका है कॉस ए इंटू क्या है वन प्लस कितना है साइन है ना, कॉस इंटू क्या साइन है ऐसे यहाँ पर। अब एक कितना होगा दो होगा, तो दो प्लस टू साइन ए बटा कितना होगा आपका कॉस ए इंटू वन प्लस कितना होगा जी साइन हो गया ना। अब देखिए दो देखना कि दो है जो दोनों में है ना, दिख रहा है ना, तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दो दोनों में आ गया तो दो कॉमन ले दिया क्या बचेगा एक बचेगा। अब इसे दो तो हट गया ये क्या बचेगा, क्या बचेगा जी साइन ए बटा क्या हो गया आपका कॉस ए इंटू क्या हो गया वन प्लस साइन हो गया। ठीक है, देखिए एक कट गया आपका ना, क्या बच गया आपका, क्या बच गया टू बटा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर एक कॉस ए, तो कॉस ए का उल्टा होता कुछ से के होता है, तो उल्टा कहाँ से जाएगा ऊपर चलेगा ना, तो से के तो कॉस नीचे है तो से के कहाँ से जाएगा ऊपर, मैंने उल्टा हो गया नीचे हो गया ना, यानी टू से के है ना, बड़ो क्या गया आर एच एस है ना, एज माना क्या हो गया प्रूव हो गया ना। एक बार इसको वीडियो पोस्ट करके देखिएगा, दोबारा दोबारा देखिएगा तो क्या होगा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से क्या करते हैं हम लोग है ना, देखना है तुमको, आपको एक एक चीज याद करना है ना कि कहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो है ना तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि है ना आप भी पढ़िएगा और क्या है और दूसरे बच्चे भी पढ़ सके है ना, तो शेयर भी कीजिएगा। तो अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।